दोस्तों मार्केट में बहुत सारे सीरम अवेलेबल है, विटामिन सी सीरम, ब्राइटनिंग सीरम, हेलोरोनिक सीरम। हम लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किसे इस्तेमाल करें और किसे नहीं इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल विंटर ग्लो सीरम लेके आई हूँ, जो आपके स्किन में जो डार्क स्पॉट है उसे रिमूव करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगी और इस विंटर के सीजन में आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल नेचर घर पे। दोस्तों मेरा नाम है स्वीटी और मैं हमेशा बेहतरीन डीआईवाई रेमेडी लेके आती हूँ आपके हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए और आपके स्किन के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए विंटर ग्लो सीरम लेके आई हूँ, जो आपके स्किन को ब्राइटन बनाएगी, साथ ही साथ आपकी स्किन को सपल भी बनाएगी इस विंटर वाले सीजन में। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ टिप्स भी दिए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमें इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या करना है, एक फ्रेश कंटेनर ले लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल दोस्तों आप सभी को ही जानते हैं बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह पे फ्लेक्सिड जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है विंटर के सीजन में। तो रियली दोस्तों ये हमारे स्किन को सप्लनेस देता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूँगी। दोस्तों अगर आपको ग्लिसरीन यूज़ करने में थोड़ा चिपचिपा लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी घटा भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों ग्लिसरीन जो होता है वो हाइलुरोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप इसे 1 चम्मच यहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपके फेस को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, आपके फेस को सफलनेस बनाए रखता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 चम्मच ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कम से कम 4 से 5 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का। टी ट्री ऑयल दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह हमारे स्किन की जो टेक्सचर होते हैं उसे निखारता है। अगर आपके स्किन में पिंपल्स है, स्कार्स है, तो आप यहाँ पे टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको टी ट्री ऑयल से एलर्जी है तो दोस्तों आप उसके जगह पे आमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग को इसे सीरम की कंसिस्टेंसी में लेके आना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सीरम बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक फ्रेश कंटेनर ले लेना है। तो मेरे घर पे ये छोटी सी डिब्बिया थी तो मैं इसे यहाँ पे ले ली हूँ। उसके बाद हम लोग को इस सीरम को यहाँ पे कंटेन करके रख लेना है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम लोग इसे स्टोर कैसे करके रखना है। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, आपको इसे रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाली है जो ख़राब होने वाली है। दोस्तों आप इसे बना के छोड़ मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो ऑब्वियसली ये ख़राब हो सकता है। तो आप इसे हमेशा इस्तेमाल करते रहिएगा, ताकि इसमें जो एयर होंगे वो हमेशा बाहर होते रहेंगे, तो ये हमेशा ठीक रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद आप अपने फेस पर टोनर इस्तेमाल करते तो आप अपने फेस पर टोनर इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को ये सीरम लेना है। सीरम को अच्छी तरीके से अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से लगाते हुए, हल्के हल्के टैप टैप करते हुए ऑल ओवर फेस पे और नेक पे लगा लेना है दोस्तों। और इसे कम से कम 1 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि आपका जो फेस है इस सीरम को अच्छी तरह से खा ले। जब आपका जो सीरम है वो पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से फेस पे सीरम लगा लिया, ये बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गया है। उसके बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर से लॉक कर दीजिए इस सीरम को, और दिन भर अपना काम करते रहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस सीरम को दिन भर में कम से कम 2 बार जरूर इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। इस सीरम को दोस्तों बॉयज़ गर्ल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर इसे बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे टी ट्री ऑयल की जगह आमंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इस सीरम को बच्चे भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी प्रस्तुति, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल नेचर केयर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे खूबसूरत से परिवार का हिस्सा बन जाइए। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।